वह FHD फुल HD कैमरा हो गया। अब ये आपका जाएगा जो मॉनिटर में जाएगा, इसको आप यहाँ से भी देखो ये सेटिंग कर सकते हैं, मिला सकते हैं। सीसीटीवी जो कैसे देखते हैं, जैसे LED मॉनिटर टीवी में आप कैसे उसे देख पाओ, कैमरा लगा कैसे देखना है आपको, तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को सूच ला सकते हैं। CCTV यहाँ लेंस यहाँ पे आपको फिट करना है, तो इसे फिट करने के लिए आपको इसे खोलना होगा, जो मैं आपका यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है खोलने के लिए, जो मैं इसे निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपको CCTV लेंस है, जो आप LED मॉनिटर में देख सकते हैं लेंस है। तो इसको पहले आपको यहाँ से खोलना होगा, लेंगे इसको आपको निकाल लेना है, जो निकालने के बाद आपको इसको फिट करना है, इसको आपको यहाँ पे फिट कर लेना है, फिट करके आपको इस जगह पे इसको टाइट कर लेना है, इसको टाइट कर ले आप। यहाँ पे आपको लगाना क्या है, ये है कैमरा, जो मैकेनिक का माइक्रोस्कोप है और मैकेनिक का ही भी आपका कैमरा है, जो मैं इसको भी खोल कर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आया है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो एक वायर है, HDMI केबल बोलते हैं इसको, केबल है, और इसके साथ में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कहाँ क्या है इसमें, ये देख सकते हैं एक एडेप्टर भी है इसमें, एडेप्टर जो आपको इस कैमरा को ऑन करने के लिए पावर देने के लिए है। और फ्रेंड्स इसमें एक रिमोट है जो कंट्रोल करने के लिए है, और इसमें देख सकते हैं ये आपका मेन कैमरा है जो माइक्रोस्कोप में कनेक्ट करेंगे। मॉनिटर जो होते हैं, टीवी होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पे, मैकेनिक RX 510 मॉडल है। यहाँ पे LED लाइट है जो ऑन होगा तो यह लाइट से पता चलेगा, और यहाँ ऑन ऑफ स्विच है ऑफ करने के लिए और डाउन करने के लिए है, और मेन्यू में जाने के लिए, ओके करने के लिए, वीडियो के लिए। सेंसर है जो आपको ये रिमोट काम करेगी, सेंसर के सामने इसको रिमोट करेंगे तो इसमें सिर्फ 6 बटन है, लेकिन इसमें बहुत सारे फंक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे फुल HD में दिखाया गया हुआ है। माइक्रोस्कोप से रिकॉर्ड को देखना है, बाद में देखना है, तो यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड को लगा करके यानी कि रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेंस से ये आपको हटा देना होगा, ओके। उसके बाद ये यहाँ पे आपको फिट कर देना है, टाइट कर देना है, है FHD फुल HD कैमरा, ओके, जो मैकेनिक RX 510 है मॉडल है। तो इसे फिट कर देंगे इस तरह से, हो गया। अब ये आपका जाएगा जो मॉनिटर में जाएगा, ओके। तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक पावर के लिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये अलग से परचेज करना होगा, ये अलग से लेना होगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसे लेंगे, लगाएंगे, ओके। अब इसको पावर में दे देंगे, ओके। यहाँ देख सकते हैं लाइट आ गया। उसके बाद ये आपको कैमरा में कनेक्ट करना है, तो कैमरा में कनेक्ट करने से पहले आपको HDMI टीवी में जो आप मॉनिटर में कनेक्ट कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हो गया है। हमारा फिट करने के बाद में, ये सेटिंग करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिट कर लेना है, फिट करके इसको ऑन कर रहा हूँ, ओके। सेटिंग करके मैं पूरा फिट कर दिया हूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं और भी सेटिंग आप भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर पिक्चर क्वालिटी ख़राब आ रहा हो तो यहाँ से भी अभी आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं आप, जैसे मैं डाउन कर रहा हूँ तो वहाँ पे पिक्चर अगर ख़राब हो रहा है, ओके। और जैसे इसको आप सही से करेंगे, घुमाएंगे इसे, तो आपका पिक्चर क्वालिटी अच्छा आएगा। इस तरह से सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ओके। उसके बाद गाइस घुमा करके अब आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो इस तरह से भी आप सेटिंग कर सकते हैं बढ़िया से। और उसके बाद कैमरा का जो इसको आप यहाँ से भी देखो ये सेटिंग कर सकते हैं, मिला सकते हैं,
तो गाइस इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ओके भाई आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रिमोट से भी सेटिंग कर सकते हैं, नहीं बहुत सारा सेटिंग है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।